गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। एंड अभी जो है मैं जा रही हूँ मम्मी जी के घर में। मतलब आज है भैया का बर्थडे वाला दिन, 7th ऑफ अगस्त। एंड आज जो है मैं जा रही हूँ मम्मी जी के घर में स्पेशल लंच करने। मतलब थोड़ा बहुत भी जो बनाया होगा वो मैं खाने जा रही हूँ। एंड अभी जो बज रहे हैं 3:30 बज रहे हैं। मैंने नहा धो के, मैं फ्रेश होके, मैंने रेड कुर्ती विथ पिंक दुपट्टा ले लिया है एंड मैं जा रही हूँ। एंड मम्मी ने थोड़ा बहुत जो है सामान ले जाने के लिए बोला है, जैसे कि बाबू के कपड़े। एंड बाबू ने नहा लिया होगा लेकिन दूसरा कपड़ा ही पहना होगा। एंड यहाँ पे जो है मौसम बहुत ज़्यादा ठंड वाला हो चुका है, बारिश कंटिन्यू गिरते ही रहता है, तो इसीलिए थोड़ा ठंड वाले फुल स्लीव वाले कपड़े मैं लेके जा रही हूँ। साथ ही साथ मेरा हैंकी, क्योंकि कोल्ड हो रखा है तो कब कहाँ नाक बहना शुरू हो जाए, तो प्रोटेक्शन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने ये ले लिया है। साथ ही साथ आप लोग मेरा आईब्रोज देख पाते हो कि बहुत ज़्यादा कम है। यस, बहुत ज़्यादा कम है। कुछ भी ना अप्लाई करो तो ऐसा लगता है कि है ही नहीं, है ना? ऐसा लगता है ना? आप लोगों को भी बताना, मुझे तो ऐसा फील होता है कि लगता है कि है ही नहीं। ऐसे वीडियो में देखो, ब्लॉग में देखो तो लगता है कि है ही नहीं। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करके मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ उस घर में एंड दिखाती हूँ कि क्या क्या बना है, नहीं बना है। बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग तो मैं नहीं करती हूँ वहाँ पे, बट जितना भी करूँगी आप लोगों को ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं। एंड बाहर ब्लॉग नहीं कर पाऊँगी, जाते वक्त का नहीं दिखा सकती क्योंकि बारिश हो रही है तो गीला हो सकता है कैमरा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों को उसी घर पर। जाने से पहले थोड़ी बहुत चीज़ें दिखा दूँ। ये जो सारी चीज़ें हैं ना यहाँ पर फैली हुई, पेन पेंसिल कॉपी किताब जो भी है, तो मैं ना कुछ नया चीज़ ज्वाइन की हूँ, वो मैं आके आप लोगों को बताती हूँ क्या। मैं थोड़ा सा क्लासेस ले रही थी इसलिए उसमें नोट्स बना रही थी, तो आके मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेल्स में बताती हूँ। बट अभी के लिए जो लंच करने चलते हैं, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो रही है, ऑलमोस्ट 3:30-4 बज रहे हैं, तो इतना लेट कोई लंच नहीं करता, बट क्या करें, जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। हे गाइस, तो मम्मी जी के घर में आ चुकी हूँ, लंच लेके बैठ चुकी हूँ। एंड बहुत अच्छा फुटेज मुझसे लिया नहीं गया था क्योंकि सब थे एंड मुझे व्लॉग बनाने में थोड़ा सा हिचकिचाहट टाइप होता है, तो इसलिए जितना हो सके मैंने आप लोगों के लिए छोटा सा क्लिक इंक्लूड किया है। तो क्या क्या है नहीं है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। एंड एक बात बता दूँ, हम बंगालियों में बर्थडे में थोड़ा इसी टाइप का वेज नॉन वेज खाया जाता है। तो सबसे पहले है चावल, चावल के साथ है परमल फ्राई, बैगन फ्राई, भिंडी फ्राई, आलू फ्राई, देन करेला फ्राई, देन एक साग है। एंड लेफ्ट में जो सबसे पहला फ्राई दिख रहा वो मालपुआ है, खीर है, चटनी एंड दाल है। तो चलिए मैं जो है अपना जो प्यारा सा सिंपल सा लंच है, बर्थडे स्पेशल लंच, वो करती हूँ एंजॉय, देन उसके बाद घर आके आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। एंड अभी जो है शाम के 8:30 बज रहे थे एंड मेरा ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, मेरा सांस बिल्कुल मुझसे लिया नहीं जा रहा था। तो मैं जो है मैं भाप ले रही थी, गर्मा गर्म विक्स वाला भाप, ताकि मेरा जो नाक है वो थोड़ा सा खुले एंड मुझे सांस लेने में तकलीफ़ ना हो। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी, बुखार नहीं आ रहा था बट सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। इसके वजह से जो है खाना पीना बनाने में या कोई भी काम करने में मन ही नहीं लग रहा था। एंड ऐसा ही कुछ दिनों से बीत रहा था, बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग फील हो रहा था, बट क्या करें, इसलिए थोड़े ब्लॉग्स लेट से भी आ रहे थे। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों को मॉर्निंग में, क्योंकि इसके बाद जो है मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं किया हुआ, हालत देख ही पा रहे हो मेरा। गुड मॉर्निंग गाइज, एंड आज है 8th ऑफ अगस्त का मॉर्निंग ब्लॉग, एंड जो कि है ब्रेकफास्ट शुरू हो चुकी है जो कि मेरे हस्बैंड ने गर्मा गर्म बनाई है। ये है एक्स्ट्रा चीज़ विथ स्पाइसी मसाला सैंडविच जो कि हस्बैंड का स्पेशलिस्ट है, तो चलिए खाते हैं। आज मैं ये ट्राई करने वाली हूँ चिंग्स का न्यू टोमेटो विथ क्रूट्स इंस्टेंट सूप, एंड पता नहीं ये कैसा होगा, मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को आज मेरा पहला एक्सपीरियंस ऑफ टोमेटो सूप का बताऊँगी।
तो ये दिखने में कुछ ओके रुको दिख नहीं रहा। यस, ये दिखने में कुछ ऐसा है एंड इसमें ना छोटे छोटे ब्रेड क्रम्स भी हैं शायद, आई थिंक सो। तो मैं इसमें गर्म पानी ऐड करती हूँ, देन उसके बाद इसका टेक्सचर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। साथ ही साथ मैं यहाँ पे चीज़ सैंडविच बना रही हूँ, जस्ट एंड जस्ट इसमें चीज़ ही है। तो इसे मैं थोड़ा सा अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेती हूँ सबसे पहले, देन उसके बाद मैं आप लोगों को मिलती हूँ टोमेटो सूप के साथ। तो इसमें मैंने गरम पानी ऐड कर दिया है एंड ये कुछ ऐसा दिखने में लग रहा है, आई होप आप लोगों को दिख रही होगी। तो इसे हम लोग अच्छे से मिला लेते हैं पहले, एंड प्लीज़ मेरे आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ढीली है, आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए, यहाँ पे मेरे ब्रेड सैंडविच भी तैयार हो चुके हैं, मतलब चीज़ सैंडविच एंड टोमेटो सूप भी तैयार हो चुका है। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ ये खाने में कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले जो है मैं टोमेटो सूप ट्राई करके बताती हूँ कि कैसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा टैंगी टेस्ट आ रहा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड जैसे कि आप लोगों ने देखा, आज है 10th of August का मॉर्निंग का ब्लॉग। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, साथ ही साथ बाबू का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। मतलब 9 तारीख को रात को बहुत ज़्यादा बुखार आया था बाबू को। तो 10 तारीख को सुबह को हम आए हैं क्लिनिक डॉक्टर के पास, बाबू को जहाँ पर दिखाते हैं हम लोग वहाँ आए हैं। एंड वहाँ आके बाबू को हम लोगों ने दिखाया, एंड दिखाने से पहले जो है बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहती है क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा बीमार हो रहे हैं बिकॉज़ ऑफ द चेंज ऑफ वेदर। आप लोगों को भी पता होगा, आप लोगों के वहाँ भी या घर पे भी बच्चे बीमार हो रहे होंगे, बड़े बीमार हो रहे होंगे, जैसे हमारी हालत ख़राब है। तो मेरे तबीयत ख़राब हुआ, उसके बाद अभी बाबू का तबीयत ख़राब हुआ है। तो बाबू आया है क्लिनिक, तो आने से पहले जो है बाबू ये क्लिनिक के अंदर का ही बच्चे का प्ले एरिया है जहाँ पे वो खेल रहा है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों को घर पे। हे गाइस, गुड इवनिंग। एंड आज सुबह जो है बाबू को लेके हम लोग गए थे डॉक्टर के पास। जैसे कि आप लोगों ने देखा, वहाँ पे ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ कैमरा अलाउ नहीं है, बट फिर भी जो है मैं प्ले एरिया में थोड़ा सा क्लिक आप लोगों को साथ शेयर कर पाई। आई वॉज़ हैप्पी फॉर दैट कि मैं आप लोगों को दिखा पाई। बाबू का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, बट अभी जो है कंट्रोल में है। तो दवाई ववाई खा लिया है, रेस्ट कर रहा है यहाँ पे, तो मैं उसको रेस्ट करने दे रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा धीरे बात कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा अच्छे से। तो बाबू को क्या हुआ था वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। एंड बाहर थोड़ा बहुत आवाज़ हो रहा है, बच्चे खेल रहे, सब आना जाना चल रहा है क्योंकि अभी रात के 9 बज रहे हैं। चहल पहल रहती है यहाँ पे, रोड साइड में मेरा घर है एज़ यू ऑल नो दैट। तो इसीलिए जो है थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। एंड साथ ही साथ जो है मैं 7 तारीख से ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ, एंड मैं खुद भी इतना ज़्यादा वेल नहीं हूँ, ठीक नहीं हूँ, हेल्थ मेरा भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। एंड अभी जो है मेरा जो आवाज़ है थोड़ा बहुत ठीक हो गया है। मतलब मुझे जो है सर्दी खांसी हुई थी, खांसी नहीं हुई थी, सर्दी बहुत ज़्यादा हुई थी जो कि कंट्रोल में आ गई है अभी। एंड थैंकफुली बाबू का तबीयत ख़राब होने से पहले ही मैं थोड़ी सी बेटर हो गई थी, नहीं तो फिर।
मेरा तबीयत ख़राब रहता, साथ ही साथ बाबू को भी संभालना पड़ता, मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती मेरे लिए। तो थैंकफुली मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही थी एंड बाबू का ध्यान अभी मैं रख पा रही हूँ। बाबू को क्या हुआ वो मैं बता दूँ, बाबू को 9 तारीख को रात को बहुत ज़्यादा ही बुखार आ गया, मतलब वो काँप काँप के, मतलब इतना भयानक बुखार आ गया था, 102.3 तक चली गई थी। तो हम लोग थोड़ा सा सीरियस हो गए थे। तो बाबू का हमेशा से सर्दी खांसी एंड बुखार का जो दवाई है वो हमेशा स्टॉक में ही रहता है। तो मैंने बुखार का दवाई तो खिला दिया था, बट रात को 2 घंटे बाद फिर बुखार आ गया था। तो हम लोग थोड़ा सा टेंस थे कि दवाई खाने के बाद भी, दवाई का जो असर है वो ख़त्म होने के बाद फिर बुखार आ जाता, मतलब कितना बार इंसान दवाई खिलाए, है ना। तो इसलिए सुबह दिखा लेना ही ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए हम लोग 10 तारीख की सुबह, मतलब आज हम लोग गए थे दिखाने। तो डॉक्टर ने जस्ट बोला कि थोड़ा सा उसका जो है इम्यूनिटी है वो थोड़ा सा वीक है, साथ ही साथ जो है उसका बॉडी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा बहुत ज़्यादा हेल्दी रहने की, मतलब उसका जो खाना पीना है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा, जिसके वजह से उसका बॉडी वीक हो रहा, ज़्यादा खेल कूद करता है तो उसका बदन थक जाता है, उसकी वजह से थोड़ा बुखार आ गया था, अभी सुबह से नहीं आया था। तो इसलिए डॉक्टर बोल रहे थे उसके खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बच्चे नहीं खाते हैं बट ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, वो शरीर में थोड़ी ना लगता है, जो बच्चे अपने मर्ज़ी का खाते हैं वो बच्चों के शरीर में ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ना। तो देखते हैं क्या होता है, दवाई अभी 3 दिन तो चलेगा एंड एक आगे ही एक बहुत बड़ा चीज़ आ रहा है हमारा, उसके पहले बाबू को जो है बहुत जल्दी हमें ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि बाबू के लिए बहुत बड़ा दिन आ रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, वो कौन सा दिन है क्या दिन है वो आप लोगों को आने वाले ब्लॉग्स में पता चलेगा, आज के ब्लॉग में मैं रिवील नहीं कर रही हूँ। साथ ही साथ और एक बात आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ गाइज, स्टार्टिंग ऑफ द ब्लॉग मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैं कुछ क्लासेस ले रही हूँ, तो किस चीज़ की क्लासेस ले रही हूँ वो मैं बता देती हूँ। मैं ले रही हूँ ऑनलाइन प्रोफेशनल मेकअप कोर्स का क्लास ले रही हूँ ऑनलाइन, एंड पहला 2 दिन ही मैं क्लास ले पाई थी, उसके बाद जो है मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, साथ ही साथ बाबू का ख़राब हो गया, तो मैंने क्लासेस नहीं ली। बट उनको मैं फोर्स करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे फिर से ले ले, देखते हैं क्या होता है। बट स्टार्ट तो मैंने बहुत अच्छे से किया था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे क्लासेस करने में, बट बीच में ही मुझे रोकना पड़ गया बिकॉज ऑफ बच्चे की हेल्थ, बच्चे की हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऑनलाइन क्लासेस लेना इट्स नॉट बड़ा मेरे लिए, है ना। तो आई होप आप लोगों को आज का जो छोटा सा ब्लॉग है वो अच्छा लगा होगा, ज़्यादा लेंथी ब्लॉग मैं नहीं कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं 7 तारीख से ब्लॉग को कंटिन्यू किए जा रही हूँ, जो कि आज जाके शायद मैं ख़त्म कर पाई होंगी। होप आप लोगों को आज का ब्लॉग छोटा सा अच्छा लगा होगा, कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड मेरा भी मुँह सूख चुका है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, बट क्या करें हालत थोड़ी सी ढीली है, बट फिर भी जो है अपना काम तो करना ही पड़ेगा, बच्चे को भी संभालना है, घर को भी संभालना है, सब कुछ। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नए ब्लॉग में एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।